पता चला, अफेयर वाला बात पता चला, ठीक है, पता चला, गलत भी तो हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उस लड़के को मैंने पकड़ा थाने पर। उस लड़के ने थाने के जवाबदेही में सारी बात कबूला कि हाँ ये बात सच है। मारने पीटने के बाद में इन लोगों को बोला गया कि इन लोग हमारे खिलाफ मुकदमा की थी, तो इन लोगों को बोला गया कि ठीक है, इनको भी भगाया गया, ये भी भागे वहाँ से, ठीक है। इन लोगों को डांट डपेट के पुलिस ने वहाँ से खदेड़ दिया, फिर समझा बुझा के बोला दो बच्चे का भविष्य है, अपना सही से रहो, ठीक है। मैंने समझा बुझा के रख लिया, यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन इसके बाद में हमारा सास ने ऐसा ऐसा चाल चला, ऐसा उस लड़का से, जिसका लड़का से अफेयर था इसका, उसकी वाइफ आपकी पत्नी को क्यों मारी? उसकी वाइफ इसलिए मारी कि वो गया था हरिद्वार और ये की थी MTS के नंबर से उसके मोबाइल पे फोन, ठीक है। और वो लड़का यहीं रहता था, यहीं से उसका सेटिंग था, लेकिन मेरा कमरा कपासेरा में था, तो वो लड़का को ये कपासेरा में बुलाई, ठीक है। वहाँ पे सारा आदमी जानता है, एक मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, आप वहाँ से जल के समाज में पूछ लीजिए, सब बोलेगा यही, कोई झूठ नहीं है इसमें, ये लोग झूठ बोल रहा है सर। इसका पिताजी भी मेरे से कई बार बोला कि जब तुमको ये सब बात पता चला तो तुम हमको बताता, चुपे चोरी उसको कुछ हम खिला देते। एक सेकंड रुक जाइए, क्या ये लड़का सही बोल रहा है? नहीं, सही नहीं बोल रहे हैं, ये अपने आँखों से कुछ नहीं देखे, अपने दीदी जो बोलती है। कोई मारा था? वैसे तो पड़ोसी लड़ाई होता है, लेडीज में मारे पीट होने लगता है, मेरे को मार पीट उसमें दो लोग से हो गया था। वो लड़का मारुति कंपनी, एक लेडीज और थी, तो आपस में कुछ बोली तो उस दिन मार पीट भी हो गया। इनका कहने का मतलब है, एक बात लगा के बोल रहे हैं कि उसको, वो तेरे को मारा कैसे? नहीं, नहीं, कैसे मारा? तो आपस में पड़ोसी में लड़ाई होता है, आजकल मारपीट इसे ही ऐसे सब लोग करते हैं। झूठ बोल रही है, मैं लड़ने के लिए नहीं चाहती कहीं भी नहीं, तो इसलिए मार दिया। तो उसका वजह से उस 3 साल कुछ नहीं हुआ, 3 साल कुछ भी नहीं, उसी टाइम जो भी करना था उसी मर नहीं गई है, उसकी बीवी जिंदा है। उसकी बीवी खुलेआम आके बोली कि तुम्हारा वाइफ हमारा, हाँ उसका नंबर है आपके पास? हाँ उसका नंबर है मेरे पास, वो थाने पर मार खाया है और वहाँ नकार दिया। उसके घर वाले से पूछिएगा, उसका एक नंबर है मेरे पास, चालू होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तुमको मंथली खर्ची 5,000 रुपया देगा हर महीने, अगर कभी किसी तरह के टॉर्चर करता है तो ही जेल जाएगा तुरंत, कोई भी कानूनी का न यहाँ न वहाँ, तुरंत ही डायरेक्ट जेल जाएगा। तुम तैयार हो पति के साथ रहने के लिए? ये कोर्ट में सोच समझ के बोलना, ऑन कैमरा बोल रही हो, कोई जबरदस्ती नहीं, तुम्हारे बच्चे की भविष्य है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, तुम्हारी जिंदगी है, अपना जिंदगी जीने का सबको हक है, कोई जबरदस्ती नहीं। ये क्या इल्ज़ाम लगाया उससे मतलब नहीं है, तुम्हारे दो बच्चे की भविष्य है, जिंदगी भर माँ के पास नहीं रह सकती हो, राजा हरिचंद्र माँ बाप नहीं रखा अपने बच्चे को, तुम्हारा पूरा लाइफ है। हाँ ये मारा पीटा है, इसके लिए हम बांधेंगे इसको, क्या आइंदा ही कभी मार पीट नहीं करेगा, ढंग से रखेगा, तुमको छुएगा भी नहीं, जो औरत का इज्जत मान सम्मान होता है वो देगा, तुमको हर महीना 5,000 पॉकेट खर्च देगा, वो तुम अपना कुछ भी करो, ये कमाएगा, सारी ज़रूरत पूरा करेगा, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, लेकिन वो अलग। अब तुम सोचो क्या तुमको रहना है, रहने जाएंगे तो इनका क्या सबूत है कि मार के फेंक? हम यहाँ पर हम अपने संस्था से भेज रहे हैं ना, हम सबूत है ना, यहाँ हम अपना कार्ड देंगे, कोर्ट में देंगे, सब जगह देंगे। इतना का आसपास है तब तो इतना हमें मारते हैं, आप नहीं हमें देखे हैं कि हम क्या क्या हद से गुजरे हैं, ये अभी बोल बोल के हमें सब कुछ में दबा रहे ना, जो बोल बोल के दबा रहा है ना, फोन दिखा रहा है, आज के बाद ये कभी नहीं छुएगा तुमको, ऐसे करके नहीं छुएगा, तुमको पता नहीं है कि हम कौन है, तुम्हारी मम्मी पहचानिए, इसका हिम्मत नहीं है कि तुमको छू देगा, तो तुम अपने मन से बोलो, जबरदस्ती हम नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी मन है तुम अपना यहाँ भी रह सकते हो, मन है अपने पति के साथ, हम कहें बस ये कहेंगे कि तुम्हारे बच्चे दो हैं भविष्य है, बस ये सोच के बोलो, छुएगा तो कभी नहीं, ये चीज़ हम तुमको लिख के देते हैं गारंटी कि कभी नहीं छुएगा। बेटा से भी पूछ लो क्या कहता है वो? नहीं, पापा साथ नहीं रहेगा, कभी पापा पैसा भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, छोड़ दो, बता दो, ऐसे नहीं पूछते हैं, जो जो बताओ कारण। बार बार मम्मी वो मारते पीटते रहते हैं, रात भर पीटते रहते हैं, इसलिए नहीं रहेगा। पैसे देते हैं ट्यूशन स्कूल के, पैसे देते हैं वो सब देंगे, अगर जो तुम रहोगे इंदा देंगे, पापा अच्छा से रखेंगे, देखो सच बोलो, झूठ मत बोलो, पढ़ाई करते हो, विद्या की कसम खा के बोलो, सुनो तुम्हारा दोनों लड़कों का नंबर है, जिससे अभी चल रहा है उसका भी या दूसरे का भी, एक मिनट चुप रहो। पैसे देके वैसे कहीं भी कुछ भी उसको आपस में बुला लेंगे, अकर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं बोलना आता है, मैं बोल बोल के आदमी मार के दबाया है, झूठा है। आपको मारे बहुत हैं ये? बहुत मारे, मेरा शरीर पता चलता है ना कि ये मार मार के मेरे को ऐसे कर रखे हैं। गलत मत, अभी आपका नाजायज संबंध कुछ ऐसा था नहीं? नहीं कुछ नहीं था संबंध, कुछ नहीं, जो भी है मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, काम कर रही हूँ, और उसके अलावा भी काम करते हैं, यही कंपनी है आसपास में, सब कुछ मिलेगा तो लेडीज कहीं नहीं काम करने जाएगा, सब कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे पास तस्वीर कहाँ से आ गया सब कुछ का, हर चीज का? इतना फ्रॉड आदमी है ना, ये इतना फ्रॉड है, आपको तुरंत
घुमा लेंगे। प्रूफ है, घुमाने की क्या बात है, सच्चाई दिखा रहे हैं। नंबर दे दीजिए, नंबर हमको दे देते हैं, बता देते हैं। गलत है, इसको अच्छा से नहीं रखा गया, काफ़ी सारी प्रूफ है। ये कमरे में रह रही है मेरे साथ, सब अच्छा से नहीं है, बच्चों को मैं अच्छा से नहीं रखा हूँ। आप हमको उस लड़का का नंबर दीजिए जिसके बारे में आप बोले कि मेरी बीवी का अफेयर है। हाँ, अभी निकाल रहा हूँ। हाँ, तो हमको इसका नंबर दीजिए। सुनिए ना, आपका विवाह सुना पहले, पति पत्नी इनके बच्चा का, मेरा बच्चा नहीं है क्या? इनका बच्चा कहाँ से हो गया? ना कोई नहीं चाहता, हम लोग क्यों चाहेंगे? इनका बच्चा बोला कौन? इनका बच्चा सर बता दिया जाएगा, ये बोलेगा इनका बच्चा दूसरे से पैदा किया गया, इनका बच्चा बोलेगा। पति पत्नी को हम लोग रखवाने आए, ठीक है? क्या मैटर, वो सुन रहा है, बच्चा कैसे हो गया? जब से बारह बार तुम पोसा है, मैंने पोसा, तू पोसा है, करना दीजिए कोई ना ना, वो सब कुछ मामला कैमरा वगैरह ऑन किए, मना कर रहे हैं, रह दीजिए कोई हम अपना जीवन कर ना ना ना, हमें चीजें तो पता नहीं क्या हो रहा है। रिकॉर्ड कर ले भाई, क्या दिक्कत है? मैं कर दे, मेरी मदर को क्रिएट करा के उठा के ले जाऊंगा पुलिस में। करो 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 करो, तुम दो ना दो। नहीं नहीं, गलत बात नहीं, आप गलत बोले हैं तब बोला गया है आपको, ठीक है? दोनों को मिलाने आए हैं, बहुत रफ और एब्यूसिव कंडीशन यूज करी यहां पे ड्रामे कर रहे हैं इंसान ने, तो वही सब पूछने आए हैं ना हम लोग, तो बोलना चाहिए ना आप किसी से। क्या वो तो बोल रही है कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, वो बोल नहीं पाती है। दो बार सुसाइड अटेम्प्ट का केस ना ना, वो सब गलत है, बच्चे के सामने सब गलत है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए तो मैं भी कर लूँ, दिल्ली कैंट थाने में केस दर्ज है। दिल्ली कैंट थाने में ये भी बोला गया है कि तुम्हारी बहन नहीं रहना चाहती है मेरे साथ, ये क्यों नहीं बोल रहा है? बोलना कुछ बच्चे तो रहने जा रही है, वो वजह है, तभी तो नहीं जा रही है, अफेयर है, यहाँ फोटो निकल रहा, देख ना। पहले तो बच्चे उठा लिए, तब अफेयर था, बच्चे मेरा है, कहीं ले जाऊं? बच्चे तेरा बच्चा है क्या? उठा ले जाएगा सर, बच्चा मेरा है, जबरदस्ती उठा ले जाएगा। जब नहीं जाएगी तो मैं अपना बच्चा किया, कितना है कि तू किडनैपिंग कहलाता है, वो ठीक है? बच्चा नहीं कहलाता, मेरा बेटा है वो, क्यों नहीं पुलिस वहां किडनैपिंग में गया? क्यों भाग रहे? अरे पुलिस क्यों छोड़ दिया बच्चों ने? क्यों कर रहा पुलिस? क्यों छोड़ दिया? फिर पूछ लेते हैं, पूछ लेना, फिर से पूछ लेते हैं, पूछ ले, फिर पूछ रहे अभी आ रहे हैं, लोग बुर्बक है। मैं तो सुनो ना, इतना बटकट्टी करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुमको क्या करना है, इसको करना क्या है, लास्ट पॉइंट पे आओ, ठीक है? हमने रखने के लिए इसको केस कर रखा है कोर्ट में, ये मेरे घर में रहना चाहती है, गांव समाज से मैं शादी किया हूँ, तो मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ, घर पे रखने के लिए तैयार हूँ। इसको मैं दिल्ली में नहीं रखूंगा, मैं अपने बीवी बच्चों को दिल्ली में नहीं रखूंगा, क्योंकि दिल्ली में रखने का ये सजा मुझे मिला है। सुनिए, तुम्हारे बाप तुम रखने के लिए तैयार है अपने गाँव में? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, इज्जत मान सम्मान, बिल्कुल। अगर लड़की का फिर अगर एक चोट लगा तो इसका जिम्मेदार? लड़की को अगर जो दिक्कत होता ना, तो साल छह दो साल में भाग जाती, 12 साल मेरे साथ नहीं गुजारती। इसने गलत किया है, 12 साल में तो 6 साल 3 साल यही है। नहीं, ये इसका इसका भी प्रूफ है, कब से रह रही है, इसने लिखित दिया है, ये झूठ बोल रही है। 3 साल नहीं, 8 महीना हुआ, अक्टूबर से यहाँ है, उसका लिखित है, साइन किया हुआ चीज मेरे पास है, एप्लीकेशन है मेरे पास। एक मिनट सुनो, 3 साल झूठ बोल रही है, 8 महीने से यहाँ है। ए चुप रहो, बोलिए। ठीक है, मानते हैं तुम गाँव में लड़की को रखना चाहते हैं, बिल्कुल, दोनों बच्चा का सब चीज करके, कितना कमाता है तुम? हम इतना कमा लेते हैं कि हमारा सब कुछ दुनिया से ज्यादा है। पूछ रहे हो, बताओ कितना पैसा हम कमा लेते हैं? 15-16 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। 16 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, 18 हज़ार। बीवी को कितना देता है? बीवी को कितना देता? बीवी हमारी कहीं घर से बाहर कोई भी सामान खरीदने नहीं जाती है, सारा मेरे पे ही डालती है। क्या लाना है, इसका कपड़ा तक, जैकेट तक, साड़ी तक मैं ही खरीद के लाता हूँ, मेरे से कहीं बेचती है कलाने के लिए, ये अपने नहीं जाती है। इसको पैसा भी 2000-1500 की जो आप खरीद लो, ये नहीं जाएगी, हमें हम ही को ला के देना पड़ता है। अब इसे क्या चाहिए बताइए? अच्छा, सब चीज़ तुम ही ला कर देता है, ठीक है। तुम गाँव में रहने के लिए तैयार हो अपने पति के साथ? तुमको आज के बाद ही मारे पीटेगा नहीं, सब चीज लिखी पेपर ना? पता चला, अफेयर वाला बात पता चला, ठीक है, पता चला, गलत भी तो हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उस लड़के को मैंने पकड़ा थाने पर। उस लड़के ने थाने के जवाबदेही में सारी बात कबूला की, हाँ ये बात सच है। मारने पीटने के बाद में इन लोगों को बोला गया, इन लोग हमारे खिलाफ मुकदमा की थी, तो इन लोगों को बोला गया कि ठीक है, उनको भी भगाया गया, ये भी भागे वहाँ से, ठीक है। इन लोगों को डांट डपेट के पुलिस ने वहाँ से खदेड़ दिया, फिर समझा बुझा के बोला दो बच्चे का भविष्य है, अपना सही से रहो, ठीक है। मैंने समझा बुझा के रख लिया, यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन इसके बाद में हमारा सास ने ऐसा ऐसा चाल चला, ऐसा जिसका लड़का से अफेयर था, आपकी पत्नी को क्यों मारी? उसकी वाइफ इसलिए मारी कि वो गया था हरिद्वार, और ये की थी MTS के नंबर से उसके मोबाइल पे फोन, ठीक है। और वो लड़का यहीं रहता था, यहीं से उसका सेटिंग था, लेकिन मेरा कमरा कपासेरा में था, तो वो लड़का को ये कपासेरा में बुलाई, ठीक है। वहाँ पे सारा आदमी जानता है, एक मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, आप वहाँ से जल के समाज में पूछ लीजिए, सब बोलेगा यही, कोई झूठ नहीं है इसमें, ये लोग झूठ बोल रहा है सर। इसका पिताजी भी मेरे से कई बार बोला कि जब तुमको ये सब बात पता चला तो तुम हमको बताता, छुपे छोटी उसको कुछ हम खिला देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए,
क्या ये लड़का सही बोल रहा है? नहीं सही नहीं बोल रहे हैं, ये अपने आँखों से कुछ नहीं देखे, अपने दीदी जो बोलती है। कोई मारा था? वैसे तो पड़ोसी लड़ाई होता है, लेडीज में मारे पीट होने लगता है। मेरे को मार पीट उसमें दो लोग से हो गया था, वो लड़का मार थी, एक लेडीज और थी, तो आपस में कुछ बोली तो उस दिन मारपीट भी हो गया। इनका कहने का मतलब है, एक बात लगा के बोल रहे हैं कि उसको वो तेरे को मारा कैसे? नहीं, नहीं, कैसे मारा? तो आपस में पड़ोसी में लड़ाई होता है, आजकल मारपीट से ही ऐसे सब लोग करते हैं। झूठ बोल रही है। मैं लड़ने के लिए नहीं चाहती कहीं भी नहीं, तो इसलिए मार दिया। तो उसका वजह से उस तीन साल कुछ नहीं हुआ, तीन साल कुछ भी नहीं, उसी टाइम जो भी करना था उसी मर नहीं गई है। उसकी बीवी जिंदा है, उसकी बीवी खुलेआम आके बोली कि तुम्हारा वाइफ हमारा। हाँ, उसका नंबर है आपके पास? हाँ, उसका नंबर है मेरे पास। वो थाने पर मार खाया है और वहाँ नकार दिया। पूछिए उसके घर वाले, उसके घर वाले से पूछिएगा। उसका एक नंबर है मेरे पास, चालू होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तुमको मंथली खर्च 5,000 रुपया देगा हर महीने। अगर कभी किसी तरह के टॉर्चर करता है तो जेल जाएगा तुरंत, कोई भी कानूनी न यहाँ न वहाँ, तुरंत ही डायरेक्ट जेल जाएगा। तुम तैयार हो पति के साथ रहने के लिए? सोच समझ के बोलना, ऑन कैमरा बोल रही हो, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम्हारे बच्चे की भविष्य है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम्हारी जिंदगी है, अपना जिंदगी जीने का सबको हक है, कोई जबरदस्ती नहीं। ये क्या इल्जाम लगाया उससे मतलब नहीं है। तुम्हारे दो बच्चे की भविष्य है, जिंदगी भर माँ के पास नहीं रह सकती हो। राजा हरिचंद्र माँ बाप नहीं रखा अपने बच्चे को, तुम्हारा पूरा लाइफ है। हाँ, ये मारा पीटा है, इसके लिए हम बांधेंगे इसको। क्या इंदाई कभी मारपीट नहीं करेगा, ढंग से रखेगा, तुमको छुएगा भी नहीं। जो औरत का इज्जत मान सम्मान होता है वो देगा। तुमको हर महीना 5,000 पॉकेट खर्च देगा, वो तुम अपना कुछ भी करो, ये कमाएगा, सारी जरूरत पूरा करेगा, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, लेकिन वो अलग। अब तुम सोचो क्या तुमको रहना है? रहने जाएंगे तो इनका क्या सबूत है कि मार के फेंक दिए? हम यहाँ पर हम अपने संस्था से भेज रहे हैं ना, हम सबूत है ना, यहाँ हम अपना कार्ड देंगे, कोर्ट में देंगे, सब जगह देंगे। इतना का आसपास है तब तो इतना हमें मारते हैं, आप नहीं हमें देखे हैं कि हम क्या क्या हद से गुजरे हैं। ये अभी बोल बोल के हमें सब कुछ में दबा रहे ना, जो बोल बोल के दबा रहा है ना, फोन दिखा रहा है। आज के बाद ये कभी नहीं छुएगा तुमको, ऐसे करके नहीं छुएगा। तुमको पता नहीं है कि हम कौन है, तुम्हारी मम्मी पहचानी है। इसका हिम्मत नहीं है कि तुमको छू देगा, तो तुम अपने मन से बोलो। जबरदस्ती हम नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी मन है, तुम अपना यहाँ भी रह सकते हो। मन है अपने पति के साथ, हम कहें बस ये कहेंगे कि तुम्हारे बच्चे दो हैं भविष्य, बस ये सोच के बोलो। छुएगा तो कभी नहीं, ये चीज़ हम तुमको लिख के देते हैं गारंटी कि कभी नहीं छुएगा। बेटा से भी पूछ लो क्या कहता है बाबू? नहीं, पापा साथ नहीं रहेगा, अभी पापा पैसा भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, छोड़ दो। बता दो, ऐसे नहीं पूछते हैं, जो जो बताओ। कारण? बार बार मम्मी वो मारते पीटते रहते हैं, रात भर पीटते रहते हैं, पैसे देते हैं, ट्यूशन स्कूल के पैसे देते हैं, वो सब देंगे। अगर जो तुम रहोगे देंगे, पापा अच्छा से रखेंगे। देखो नहीं, साथ नहीं बोलो, मत बोलो, पढ़ाई करते हो, विद्या की कसम खा के बोलो। सुनो, तुम्हारा दोनों लड़कों का नंबर है, इससे अभी चल रहा है उसका भी या दूसरे का भी। एक मिनट चुप रहो। पैसे दे के वैसे कहीं भी कुछ भी उसको आपस में बुला लेंगे, अकर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं बोलना आता है। मैं बोल बोल के आदमी मार के दबाया है, जो झूठा है। अच्छा, आपको मारे बहुत हैं? ये बहुत मारे, मेरा शरीर पता चलता है ना कि ये मार मार के मेरे को ऐसे कर रखे हैं। गलत मत, आपका नाजायज संबंध कुछ ऐसा था? नहीं नहीं, कुछ नहीं था संबंध, कुछ नहीं। जो भी है, मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ और काम कर रही हूँ। और उसके अलावा भी काम करते हैं? काम करते हैं, यही कंपनी है आस पास में, सब कुछ मिलेगा तो लेडीज कहीं नहीं काम करने जाएगा। सब कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे पास तस्वीर कहाँ से आ गया सब कुछ का? हर चीज का इतना फ्रॉड आदमी है ना, ये इतना फ्रॉड है, आपको तुरंत घुमा लेंगे। प्रूफ है, घुमाने के क्या बात है, सच्चाई दिखा रहे हैं। नंबर दे दीजिए, नंबर हमको दीजिए। कौन है क्या है? अभी तो पता ही नहीं, मेरा साथ सब अच्छा से नहीं है, अच्छा से नहीं रखा हूँ। आप हमको उस लड़का का नंबर दीजिए जिसके बारे में आप बोले कि मेरी बीवी का अफेयर है। हाँ, अभी निकाल रहा हूं। हाँ, तो हमको इसका नंबर दीजिए। इनके बच्चा क्या? मेरा बच्चा नहीं है क्या? इनका बच्चा कहाँ से हो गया? कोई नहीं चाहता, कौन बोला इनका बच्चा? बोला कौन इनका बच्चा? बोलेगा इनका बच्चा दूसरे से पैदा किया क्या? इनका बच्चा बोलेगा जो अपना काम कर अपना काम, पति पत्नी को हम लोग रखवाने आए, ठीक है? जब से 12 वर्ष तुम पोसा है,
रिकॉर्ड कर ले भाई, क्या दिक्कत है? करो 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 करो, तुम दो ना, दो ना, ना गलत बात नहीं, आप गलत बोले हैं तब बोला गया है आपको, ठीक है? दोनों को मिलाने आए हैं, बहुत रफ और एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करी यहां पे ड्रामे करे इस इंसान ने, तो वही सब पूछने आए हैं ना हम लोग, तो बोलना चाहिए ना आप किसी से, क्या वो तो बोल रही कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, वो बोल नहीं पाती है। अरे तो सुसाइड अटेम्प्ट का केस आकर बोलो ना, यहां मैं बोल रहा हूं, वो बोलेगी ना, सुसाइड अटेम्प्ट का केस नहीं है, सुसाइड नहीं, सुसाइड करने के बाद भी ना ना, सब गलत है, सब झूठ है, बच्चे के सामने सब गलत है, सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए तो मैं भी कर लूं, दिल्ली कैंट थाने में केस दर्ज है, मेरा केस दर्ज है, तो दिल्ली कैंट थाने में ये भी बोला गया है कि तुम्हारी बहन नहीं रहना चाहती है मेरे साथ, एक तो नहीं बोल रहा है, अभी बोलना, कुछ वजह तो भी तो रहने जा रही है, वो वजह है तभी तो नहीं जा रही है, फेड़ है, यहाँ फोटो निकल रहा, देखना पहले तो बच्चे उठा लेते, फेड़ बच्चे मेरा है, कहीं ले जाऊं, मेरा बच्चा है, उठा ले जाएगा, बच्चा मेरा है, इतना बटकट्टी करने से कोई फायदा नहीं है, तुमको क्या करना है, इसको करना क्या है, लास्ट पॉइंट पे हमने रखने के लिए इसको केस कर रखा है कोर्ट में, ये मेरे घर में रहना चाहती है, गांव समाज से मैं शादी किया हूँ, तो मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ, घर पे रखने के लिए तैयार हूँ, इसको मैं दिल्ली में नहीं रखूंगा, मैं भी अपने बीवी बच्चों को दिल्ली में नहीं रखूंगा, क्योंकि दिल्ली में रखने का ये सजा मुझे मिला है, ठीक है, तुम्हारा बात, तुम रखने के लिए तैयार है, मैं गांव में, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, इज्जत मान सम्मान, बिल्कुल, अगर लड़की का फिर अगर एक चोट लगे तो इसका जिम्मेदार, लड़की को अगर जो दिक्कत होता ना तो साल छह दो साल में भाग जाती, 12 साल मेरे साथ नहीं गुजारती, इसने गलत किया है, 12 साल में तो 6 साल 3 साल यही है, नहीं ये इसका उसका भी प्रूफ है, कब से रह रही है, इसने लिखित दिया है, ये झूठ बोल रही है, 3 साल नहीं 8 महीना हुआ अक्टूबर से यहाँ है, उसका लिखित है, साइन किया हुआ चीज मेरे पास है, एप्लीकेशन है मेरे पास, एक मिनट सुनो, 3 साल झूठ बोल रही है, सुनो 8 महीने से यहाँ है, ए चुप रहो, बोलिए, ठीक है मानते हैं तुम गाँव में लड़की को रखना चाहते हैं, बिल्कुल, दोनों बच्चा का सब चीज करके, कितना कमाता है तुम, हम इतना कमा लेते हैं कि हमारा सब कुछ बढ़िया से चल जाता है, पूछ रहे हो बताओ कितना पैसा हम कमा लेते हैं, 15-16 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, 16 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, 18 हज़ार, बीवी को कितना देता है, बीवी को कितना देता है, बीवी हमारी कहीं घर से बाहर कोई भी सामान खरीदने नहीं जाती है, सारा मेरे पे ही डालती है, क्या लाना है इसका, कपड़ा तक, जैकेट तक, साड़ी तक मैं ही खरीद के लाता हूँ, मेरे से कहीं बेचती है कलाने के लिए, ये अपने नहीं जाती है, इसको पैसा भी 2000-1500 की जो आप खरीद लो ये नहीं जाएगी, हमें को ला के देना पड़ता है, अब इसे क्या चाहिए बताइए, सब चीज़ तुम ही ला कर देता है, ठीक है, तुम गांव में रहने के लिए तैयार हो अपने पति के साथ, तुमको आज के बाद ही मारे पीटेगा नहीं, सब चीज़ लिखी पे